हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर ये सब बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी। काव्या ने ना अभी वो स्कूल से आई थी 4 बजे, तो उसने सारा सामान यहाँ वहाँ कर दिया था और वो पढ़ाई कर रही थी बैठ के। फिर उसके बाद ना वो सोने चले जाती है, तो मैंने कहा कि चलिए वो सो गई है तो मैं आराम मतलब थोड़ा साफ़ सफाई कर देती हूँ, इनके भी ऑफिस के आने का टाइम हो जाएगा फिर। और ये मैंने कल के इनके ऑफिस के डब्बे के लंच की तैयारी की है। मैं इनको लंच में देने वाली हूँ कल डोसा, तो मैंने यहाँ पर हरे तो मैंने मटर भिगा के रख दिए हैं ताकि वो कल मैं इनके लिए भाजी बना सकूं। तो कल मैं बनाऊंगी डोसा और मटर की भाजी, तो इन सबको मैं अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के रख दूंगी। तो ये देखिए मेरा किचन भी एकदम साफ़ हो गया और अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। उससे पहले मैं नाश्ता बनाऊँगी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ वड़े पाव, क्योंकि आज शाम का नाश्ता वड़े पाव खाने का मन था बहुत दिनों से। तो यहाँ पर वड़ा पाव रेडी है और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर चिकन, चिकन ग्रेवी। तो यहाँ पर मैंने पहले तेल लिया है और उसके बाद मैंने ऐड किया है कांदा, और कांदे को अच्छी तरीके से कर लेना है भून कर, हमें भून लेना है अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की है और इसमें से ना मैंने खुद से घर पर बनाई है, तो इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी ऐड की थी, तो ये भी उसमें है। और फिर इसके बाद में इस अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए बाद भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी, और टमाटर प्यूरी को भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करके अच्छे तरीके से भून लेना है तेल में। और फिर उसके बाद में जो हमारा मसाला होता है ना, जो मैंने आप लोग के साथ रेसिपी और पिछले व्लॉग में शेयर की है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से बता दूँगी, नहीं तो आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सारे मसाले ऐड कर दिए, हल्दी मसाला, गरम मसाला, जितने भी हमारे गरम मसाले होते हैं सब। फिर देख सकते हो मसाला को अच्छी तरीके से भून चुका है और तेल जो है ना वो साइड साइड में हो गया है। फिर इसके बाद में मैंने इसमें ऐड किया चिकन और धनिया पत्ती, अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी, तो इसको अच्छे से चला लेना है, अच्छे से भून लेना है, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके से, आप लोग भी बना के देख सकते हैं। तो यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद में इसको ऐसे बनने के लिए छोड़ देना है और ये बन जाएगी। तो चलिए अब इसको रख देंगे बनने के लिए। तो यहाँ पर हमारी चिकन करी बनकर तैयार है। तो ये है आज की हमारी डिनर की थाली। तो यहाँ पर मैंने चिकन तंदूरी बनाया था और सिंपल सा राइस, और ये है हमारी चिकन करी। तो आज की थाली कैसी लगी आप लोग को हमें कमेंट करके। YouTube चैनल, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और बज रहे हैं 7:30 और मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे उठी थी, क्योंकि पानी आया था हमारा, सुबह 6 बजे पानी आता है, तो मैंने पानी भरा है और सारा सामान अभी ऐसे यहाँ पर रखा है किचन पे। मैंने पानी भी रखा है गर्म करने के लिए, और अभी मैं आई हूँ इनके लिए लंच बनाने के लिए, और काव्या जाएगी अभी क्लास, तो उसकी तैयारी करनी है। तो आज बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा इवनिंग से ही स्टार्ट होता है, और आज मैं काफ़ी समय बाद अपना ब्लॉग जो है, अपने रूटीन जो है मॉर्निंग टू इवनिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और ब्लॉग कैसा लगेगा ये आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में।